Hello everyone, Kanade International School Vashim welcomes you all. Kindly subscribe our channel right now and press the bell icon for further notifications of our videos. Hello dear students, welcome back in online education. हम 6th standard का maths का lesson number 1st देख रहे थे जो है knowing a number. पिछले वीडियो में हमने देखा ascending order and descending order. तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू आपको पता ही है, पिछले ईयर आपने देखा था प्लेस वैल्यू क्या रहते हैं. तो ठीक है, यू हैव डन दिस क्वाइट अर्लियर एंड यू विल सर्टनली रिमेंबर द एक्सपांशन ऑफ टू डिजिट नंबर लाइक 78 एज. देखो हमने ये पूरा जो प्लेस वैल्यू है ये हमने पिछले ईयर में हमने देखा था. ठीक है, तो यहां पे कुछ रिवीजन कर लेते हैं. यहां पे देखो एक नंबर है 78, उसकी प्लेस वैल्यू देखो कैसी है. 78 को हम कैसे लिख सकते हैं, 70 प्लस 8. ओके उसके बाद हम 70 को कैसे लिखेंगे, 7 × 10 + 8, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 78. ओके सिमिलरली यू विल रिमेंबर द एक्सपेंशन ऑफ थ्री डिजिट नंबर लाइक 278 एज. 278 को कैसे लिखेंगे, 200 + 70 + 8. 200 को हम 2 × 100 + 7 × 10 + 8 ऐसे हम लिखेंगे. देखो वी से हियर 8 इज एट वंस प्लेस. 8 कौन से प्लेस पे है, वंस प्लेस पे. ठीक है, उसके बाद 7 इज एट टेंस प्लेस. 7 कौन से प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे. ओके एंड 2 एट हंड्रेड प्लेस. 2 कौन से प्लेस पे है, हंड्रेड प्लेस पे 2 है. ओके लेटर ऑन वी एक्सटेंडेड दिस आइडिया टू 4 डिजिट नंबर्स. ऐसे ही हम 4 डिजिट नंबर्स का भी कर सकते हैं. लेट सी फॉर एग्जांपल द एक्सपेंशन ऑफ 5278 इज. देखो यहां पे 4 डिजिट का नंबर दिया गया है, उसका एक्सपेंशन कैसे कराया गया है. देखो सबसे पहले 5000 है तो 5000 हम लिखेंगे, उसके बाद क्या है सेकंड डिजिट कौन सा है, 200, तो 200 लिखेंगे. थर्ड डिजिट कौन सा है, 70 लिखेंगे. और लास्ट वाला जो वंस प्लेस पे है वो कौन है, 8 है. ठीक है, तो 5000 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 1000 + 200 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 100 + 70 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 × 10 + 8 एज इट इज. ओके हाँ, यहां पे इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे. हियर 8 इज एट वंस प्लेस. 8 कौन से प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है. 7 कौन से प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे. ओके 2 कौन से प्लेस पे है, 100 प्लेस पे. और 5 इज एट थाउजेंड्स प्लेस. इज इट क्लियर. 4 डिजिट का जो एक्सपांशन है वो हमने देखा, ऐसे एक्सपांशन करते हैं. ओके हाँ आगे क्या है देखो. विद द नंबर 10,000 नोन टू अस. 10,000 हमने सीख लिया है. ओके वी मे एक्सटेंड द आइडिया फर्दर. हम 5 डिजिट के नंबर को भी वैसे ही एक्सटेंड कर सकते हैं. ओके वी मे राइट 5 डिजिट नंबर लाइक. देखो 5 डिजिट नंबर हम ऐसे लिख सकते हैं 45,278. इसका एक्सपांशन आपको करना है तो 45,000 को कैसे लिखेंगे. 45,000 है स्टार्टिंग में 40 × 4 × 10,000, ये कितने हो गए 40. और 5000 है, ये 5000 है, सेकंड डिजिट नंबर कौन सा है, 5000 वाला. तो 5000 को हम 5 × 1000 लिख सकते हैं. थर्ड डिजिट में कौन सा है, 2. 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 100 प्लस फोर्थ डिजिट पे 7 है, 70, 7 × 10 और लास्ट में 8 आ गया. यहां पे हम ऐसे कह सकते हैं जो 8 है वो वंस प्लेस पे है,
ये 8 7 tens प्लेस पे है, 200 प्लेस पे है, 5000 प्लेस पे है, और जो 4 है वो 10000 प्लेस पे है। आ गया समझ में? ओके हाँ, यहां पे क्या है देखो, द नंबर इज रीड एज 45278, ऐसे रीड किया जाता है। तो यहां पे एक क्वेश्चन है, कैन यू नाउ राइट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर्स। क्या आप 5 डिजिट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर लिख सकते हो? देखो यहां पे एक्सपांशन दिया गया है नंबर्स का, ठीक है। रीड द एक्सपांड द नंबर, रीड एंड एक्सपांड द नंबर्स वेर एवर देर आर ब्लैंक्स। ओके, हमें क्या करना है, नंबर रीड करने हैं और जहां पे ब्लैंक स्पेस है वहां हमें फिल करना है। सबसे पहले देखो नंबर है, उसके बाद नंबर नेम है, उसके बाद उसका एक्सपांशन है। ओके, तो पहले वाला नंबर रीड कर लेते हैं। क्या है ये नंबर? 20,000। ये नंबर नेम दिया गया है 20,000, उसका एक्सपांशन कैसे है, 2 × 10,000 विच इज इक्वल टू 20,000। ओके, नेक्स्ट नंबर इज दैट 26,000, देख रहे हो? हाँ, 26,000, उसको कैसे लिखेंगे? पहले ये जो फर्स्ट डिजिट है वो फिफ्थ प्लेस पे है, ओके, तो उसको 2 × 10 लिखेंगे क्योंकि यहां पे 2 है। ओके, हाँ, प्लस 6,000 × 1,000, दैट इज 6,000, उसका एक्सपेंशन हुआ। अब थर्ड वाला नंबर देखो, 38,400, 30 को कैसे लिखेंगे, 3 × 10,000, 8,000 को कैसे लिखेंगे, 8 × 1,000, और 4 × 10 यानी 400 हो गया ये। अब ये 65,740, 60 को कैसे लिखेंगे, 6 × 10,000, 5,000 को कैसे लिखेंगे, 5 × 1,000, 700 को कैसे लिखेंगे, 7 × 100, प्लस 40 को कैसे लिखेंगे, 4 × 10, इज इट क्लियर? तो यहां पे हमने देखा एक्सपेंशन कैसे किया जाता है, तो कौन सा नंबर कौन से प्लेस पे है वो हमें प्लेस करना है, इस नंबर का हम जान लेते हैं। ओके, सबसे पहले देखो यहां पे यूनिट प्लेस पे 0 है, वंस प्लेस पे 0 है, टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, 4। ओके, 100 प्लेस पे कौन सा नंबर है, से ये वाला 7, 1000 प्लेस पे कौन सा नंबर है, 5, और 10,000 प्लेस पे कौन सा नंबर है, 6। आ गया समझ में? नाउ टर्न द पेज एंड गो टू पेज नंबर 7। सी हियर इज दैट बॉक्स विल बी कंटिन्यू। ओके, देखो यहां पे नंबर दिया गया है 89,324, इसका एक्सपेंशन किया गया 89 है, तो 80,000 का कैसे किया है, 8 × 10,000, क्लियर? उसके बाद 9,000 का कैसे किया है, 9 × 1,000 विच इज इक्वल टू 9,000, उसके बाद 300 यानी 3 × 100, दैट इज 300, प्लस 20 का कैसे किया है, 2 × 10, प्लस 4 × 1, दैट इज 4, वंस प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे है। ओके, तो यहां पे देखिए कौन सा नंबर कौन से प्लेस पे है, 4 कौन से प्लेस पे है, वंस प्लेस पे, 2 कौन से प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे, 3 100 प्लेस पे है, 9,000 प्लेस पे है, 8 10,000 प्लेस पे है। ओके, हाँ, अब नीचे कुछ ब्लैंक स्पेस है वहां पे हमें फिल करना है, ठीक है, कुछ मैं सॉल्व करके देता हूं, कुछ आपको ट्राई करना है। ओके, हाँ, यहां पे देखिए ये कौन सा नंबर है, 50,000, कौन सा नंबर है, 50,000,
ओके 50,000, तो उसका एक्सपेंशन कैसे होगा, 5 × 10,000 दैट इज इक्वल टू 50,000, ओके बाकी कुछ नंबर्स नहीं है, सिर्फ 50,000 है, यानी जो 5 है वो कौन से प्लेस पे है, 10,000 प्लेस पे है। यहां पे देखो क्या आएगा, 41,000, रीड किया लिखने का काम नहीं है, ठीक है आप ट्राई कर लो, ओके तो इसका एक्सपेंशन कैसे होगा, 4 × 10,000 दैट इज इक्वल टू 40,000 प्लस 1,000 को कैसे लिखेंगे, 1 × 1,000 दैट इज इक्वल टू 1,000 हो गए नंबर, ओके। तो यहां पे देखिए जो 1 है वो कौन से प्लेस पे है, 1,000 प्लेस पे है, और जो 4 है वो कौन से प्लेस पे है, 10,000 प्लेस पे है, ओके बाकी की ये जो नंबर है ये आपको ट्राई करने हैं, ओके। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट इज इंट्रोड्यूसिंग, ये कौन सा नंबर है बताओ, 1 lakh, कौन सा नंबर है, 1 lakh, ओके कैसे रीड किया जाता है, 1 lakh, 1 lakh को जीरो कितने रहते हैं, 5, ओके ये माइंड में फिट कर लो। उसके बाद देखो यहां पे क्या है, विच इज द ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर, ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर कौन सा है पता है आपको, तो वो नंबर ये है 99,999, क्या 99,999, ओके कौन सा नंबर है वो, 5-digit ग्रेटेस्ट नंबर है, तो 5-digit ग्रेटेस्ट नंबर में 1 ऐड कर दिए तो कौन सा नंबर फॉर्म होगा, बनेगा 1 lakh, क्लियर, हां दिस नंबर इज नेम 1 lakh, इस नंबर को क्या कहा जाता है, 1 lakh, जिसको 5-0 रहते हैं, ये 1 lakh कम्स नेक्स्ट टू 99,999, इस नंबर के बाद वो नंबर आता है, ठीक है तो उसमें 10,000 कितने रहते हैं, इतने रहते हैं, 10,000 रहते हैं उसमें, ठीक है उसका एक्सपेंशन ऐसे है। यू मे नाउ राइट 6-digit नंबर्स इन द एक्सपांडेड फॉर्म एज, देखो हमने 5-digit एक्सपेंशन किया, अब हमें जो 6-digit नंबर है उसका एक्सपेंशन देखना है, ओके यहां पर रीड करो, 2,46,853, कर दिया रीड, फिर से रीड करो, ओके 2,46,853, क्लियर, 2 lakh को कैसे लिखेंगे, 2 × 1 lakh दैट इज 2 lakh प्लस 46,000 है, तो पहले 40 का एक्सपेंशन कर लेते हैं, 40 को कैसे लिखेंगे, 4 × 10,000, 6,000 को कैसे लिखेंगे, 6 × 1,000 प्लस 800 को पता है आपको, 8 × 100, 50 को पता है आपको, 5 × 10 और 3 × 1 दैट इज 3, क्लियर हो गया। अब यहां पे देख लो इस नंबर में वंस प्लेस पे कौन है, 3, टेंस प्लेस पे कौन है, 5, 100 प्लेस पे कौन है, 8, थाउजेंड्स प्लेस पे कौन है, 6, उसके बाद 10,000 प्लेस पे है, 4, एंड 2 कहां पे है, लैक प्लेस पे है, ये कंसेप्ट न्यू है, लैक प्लेस पे कौन है, 2, इस नंबर में 2 है, कहां पे, लैक प्लेस पे, देखिए 6-digit नंबर्स का एक्सपांशन और उसकी प्लेस वैल्यू, ओके इट्स नंबर नेम इज 2,46,853, ये इसका नंबर नेम है,
इज इट क्लियर? ट्राई दिस, यहां पे कुछ क्वेश्चन है वो हमें ट्राई करने हैं. ओके, रीड एंड एक्सपांड द नंबर्स वेयर एवर देयर आर ब्लैंक्स. रीड करो नंबर्स को और जहां भी ब्लैंक स्पेस है वहां पे आपको नंबर्स लिखने हैं, एक्सपांड करने हैं. सबसे पहले नंबर जान लेते हैं, कौन सा नंबर है ये? 3 लाख. 3 लाख इसका नंबर नेम ये है, इसकी स्पेलिंग देख लो. और उसका एक्सपांशन कैसे होगा? 3 × 1 लाख, दैट इज 3 लाख. अब नेक्स्ट नंबर देखो, 3,50,000. 3 लाख का आपको समझ में आया, 50,000 का कैसे? 5 × 10,000. ओके, उसके बाद 3,53,500. 3 लाख का आपने देख लिया 53,000 है, तो 50,000 का कर लिया 5 × 10,000, 3,000 का भी कर लिया 3 × 1,000, एंड 500 का 5 × 10. अब देखिए ये नंबर है 4,57,928. ओके, कौन सा नंबर है? Four lakh fifty seven thousand. 57,000 होने के बाद 928. आ गया समझ में? क्या है? रीड करो फिर से. 4,57,928. ओके, तो इसका एक्सपांशन करना है. कैसे कर लेते हैं? देखो, 4 लाख का कैसे करते हैं? 4 × 1 लाख. 1 लाख को जीरो कितने रहते हैं? 5. अब आपको समझ में आया होगा. प्लस 50 का कर लो पहले, 5 × 10,000. ओके, 50 के बाद 7,000 है, तो 7,000 का भी कर लो. प्लस 7 × 1,000, दैट इज 7,000. उसके बाद में क्या है? 900 का कर लो, 9 × 100, दैट इज 900. ओके, उसके बाद क्या है? 28 प्लस कर लो, 20 कर लो, 20 का क्या आएगा? 2 × 10, दैट इज 20. प्लस 8 का क्या होगा? 8 × 1. इज इट क्लियर? अब इस नंबर को ऑब्जर्व करो और जान लो कौन सा नंबर कौन से प्लेस पे है. सबसे वंस प्लेस पे कौन सा है? 8 वाला वंस प्लेस पे. टेंस प्लेस पे 2. उसके बाद 100 प्लेस पे 9. 1000 प्लेस पे 7. 10,000 प्लेस पे 5. और लाख प्लेस पे 4. आ गया? तो ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है. आ गया समझ में बच्चों? ओके, चलो आज के इस वीडियो में इतना ही. होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा. तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में. ओके, थैंक यू.